और चलिए अब आपको उस आरोपी छात्रा का एक वायरल वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें वो अपना गुनाह कबूल कर रही है, लेकिन एएनबी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। किसने बोला तेरे को वीडियो बनाने के लिए? अपोलॉजी लेकर मेरे को दे दे, तेरे इंसिडेंट रिपोर्ट बनेगी, तेरे को सस्पेंड करेंगे आज ही, कंसर के पास भेज दे तेरे को। क्यों प्लीज मारो एक तरफ, फिर कंप्लेन करती है कि बोर्ड थप्पड़ मारने को बोलती है। कितना गंदा काम, घिनौना काम कर रही है तू। इनकी क्या इज्जत नहीं है किसी की? फिर क्यों करती, किसके कहने पे करती है? तेरा बहुत बुरा हाल कर देंगे बाहर। किसने बोला तेरे को बनाने के लिए? किसने बोला? वहां डीएस रूम में तेरे मुंह से सब कुछ उगलवा लेना है उन्होंने। कौन लड़का है वो, कहाँ का है वो? तो अब तू जानती है, तभी तो उसको तू भेज रही वीडियो। शिमला क्या, तू कहाँ से है? फिर वो तेरे को जानता, तेरा पुराना यार दोस्त है वो। फिर तेरे को उसका क्या डर की उसके कहने पे तू इनकी सबकी इज्जत उछाड़ रही है? यहाँ पढ़ता है वो? हाँ, कौन है लड़का वो? क्यों भेजती है उसको इनकी इनकी वीडियो बना के? क्यों भेजती है? वहां तेरा पुरुष में कैसे डीएसएमओ वाले रहे हैं? तू बनाते ही क्यों है? तेरे से उस लड़के का नंबर भी लेंगे, उस लड़के का तेरे से सब कुछ पूछेंगे, उसके घर तक पहुंचना, तेरे घर तक में तेरे को हॉस्टल में बिल्कुल नहीं रखना। इसका इंसिडेंट रिपोर्ट बनेंगे जो मैं मैडम से बात कर। क्यों करो मैं प्लीज, क्यों सुनो कर? इतना गंदा काम कर रही है तू, क्या पता तू कब 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 से इनका कर रही है सबका, कब से बना रही है इनकी वीडियो सबकी? मेरे को सच बता, सब कुछ सच बोल दे यहाँ पे बैठ के, सब कुछ सच बोल दे। कौन है लड़का वो, क्या लगता है तेरा? कुछ नहीं लगता। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारी संवाददाता अमनप्रीत कौर इस समय फोनलाइन पर जुड़ गई हैं। अमनप्रीत, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। एक बड़ा मामला सामने आया है, एक यूनिवर्सिटी का ये मामला, पूरी जानकारी इसके बारे में। छात्राओं का नहाते समय वीडियो बनाकर वायरल किया गया है। देखिए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का ये मामला है और जिस तरीके से ये बात जो सामने वायरल वीडियो आई कि 60 लड़कियों का जो इन्होंने इस लड़के ने एक वीडियो बना के आके लड़के को जो भेजा है, और जो एसएसपी ने जो भी जानकारी दी है कि वो हिमाचल का रहने वाला है वो लड़का जिसको ये वीडियो भेजेगा, लेकिन बार बार वो यही बात कह रहे कि अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, हमने बेशक एफआईआर दर्ज कर लिया इस मामले को लेकर, लेकिन जल्दी फॉरेंसिक की जो टीम बुलाई गई है वो सारी जांच कर रही है, देखभाल कर रही है कि आखिर कहाँ पे कैसे बनाया गया है। वो कहते हैं कि जब तक इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में नहीं होगी तब तक कुछ भी कहना लाजमी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई हो, जिस तरीके से उस लड़की से जो बातचीत की गई थी, उसमें उस लड़की ने साफ तौर पर कहा था कि हाँ उसने वीडियोज बनाई थी और उसने उस लड़के को वहां भेजी थी, लेकिन जो बात कही जा रही कुछ लड़कियों ने सुसाइड किया, तो वो बात को लेकर जरूर ये बात कही जा रही है कि किसी ने भी सुसाइड अभी तक ऐसा नहीं किया, अटेम्प्ट नहीं किया है। जो मुनीशा गुलाटी जो कि वुमेन कमीशन की चेयर है, उसने भी कहा कि 10 दिन के अंदर अंदर पूरी इन्वेस्टिगेशन को किया जाए, क्योंकि महिलाओं के साथ जुड़ा मामला है, तो इस मामले को लेकर हम किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरतना चाहेंगे। तो लगातार जो इस मामले लेके बड़ा हाइप जो क्रिएट हो रखा है, और जिस तरीके से अभी ही मोहाली के जो एसएसपी हैं और जो डीसी हैं उन्होंने भी मीडिया से ब्रीफ किया, उन्होंने भी यही बात बोली है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा, लेकिन देखना बहुत रहेगा कि इन्वेस्टिगेशन में और क्या क्या चीजें सामने निकल के आती है, क्योंकि पुलिस साफ तौर से कह रही है कि हम इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, लेकिन जो वो स्टूडेंट्स है, जो विद्यार्थी है, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए। और लड़की इस समय वो पुलिस हिरासत में है, लेकिन मांग की जा रही है कि वो जो लड़का है उसको भी हिमाचल से हिरासत में लेके उससे भी जांच पड़ताल की जाए। जो फोन है जितने भी लड़की का, उसको फोरेंसिक टीम के पास भेज दिया गया है, वहां पर उस पूरी इसकी जांच की जा रही है, जो अभी तक की जानकारी। ठीक है अमनप्रीत, एक लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, उसको लेकर क्या जानकारी है? अगर ये महज एक अफवाह है कि किसी ने सुसाइड करने की कोशिश नहीं की, तो उस लड़की को हॉस्पिटल में क्यों एडमिट करवाया गया? दरअसल जो अभी जो एसएसपी ने सोनी ने जो जानकारी दी, उसने कहा और जो ऑफिस जो यूनिवर्सिटी के कुछ जो अधिकारी उन्होंने ये कहा था कि उसको कुछ मतलब एकदम से बताने से वो अनइजी हो गई थी और एकदम से उसको चक्कर आया, जिसकी वजह से उसको जमा उसको दाखिल कराना पड़ा, जो इनकी जानकारी है, क्योंकि ये मैटर है महिलाओं के साथ जुड़ा मैटर है और बड़ा संसदीय मैटर हो जाता है, बड़ा सेंसिटिव मैटर हो जाता है, तो ऐसे में चलते कुछ लड़कियों को
को ही थोड़ा पैनिक हुआ, तो वो उनके साथ ऐसी चीजें हुई तो उनको हॉस्पिटल एडमिट कराना पड़ा। तो यही जो उन्होंने अभी तक की जो जानकारी दी है। बिल्कुल, एक बात ये भी सामने आई है, जैसा कि अभी बातचीत हो रही थी, लड़की जब अपना गुनाह कबूल कर रही थी तो ये सुनने में आया था कि वो लड़का इसी कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन आपने बताया कि उसे हिमाचल से गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। क्या वो इसी यूनिवर्सिटी का है और सिर्फ हिमाचल का रहने वाला है? यार इसके बारे में भी ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये जो SSP विवेक सोनी ने जो जानकारी दी है, जो मनीषा गुलाटी ने जानकारी दी है अभी मीडिया के सामने आके, मोहाली DC ने जो जानकारी दी, उन्होंने ये कहा कि वो हिमाचल का है, उसको ट्रैप करके उससे भी जल्द से जल्द जानकारी ली जाएगी, जो अभी तक जो जानकारी सामने निकल के आई है। बिल्कुल, और अभी फिलहाल क्या यूनिवर्सिटी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है? क्या वहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है? क्योंकि कल शाम से ही लगातार छात्राओं को प्रदर्शन वहाँ पर चल रहा है, तो जाहिर सी बात है पुलिस को भी अभी व्यवस्थाएं बनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही होगी। अमनप्रीत। हाँ बिल्कुल, कड़ी कार्रवाई यहाँ पे सख्ती की गई है और सारे पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद है, खुद SSP और DCP यहाँ मौजूद है, तो लगातार जो है वो पुलिस जो बढ़ाई सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, और अभी ऐसी भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या बाथरूम में कैमरास लगाए गए थे या अपने फोन से इस लड़की ने ये सारे वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं? कोई जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं निकल के आई है। चलिए, शुक्रिया अमनप्रीत आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। हालांकि ANB न्यूज़ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये जानकारी इस समय मिल रही है कि इस यूनिवर्सिटी की 60 छात्राओं का नहाते समय वीडियो बनाकर वायरल किया गया है और इस मसले को लेकर अब छात्राएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि जो आरोपी छात्रा है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और जिस लड़के को इस छात्रा ने वीडियो भेजा था उस लड़के को भी ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है।